Hello dear participant, creating the Google form by using the mobile, यह हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर Google form हम मोबाइल से क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पे एड ऑन का सिंबल जो सर्टिफाई ईएम के लिए चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपको सबसे पहले Google में जाना है। Google में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है google.com। ओके, google.com पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर कीजिए। देखिए सर्च करने के बाद यहाँ पे Google आएगा पहले ऑप्शन पे, इसको आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो आएंगी। अब यहाँ पे जो कॉर्नर में थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको, सबसे ऊपर में देखिए थ्री डॉट दिख रहे हैं, इसको आपको यहाँ से क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आता है, ये जो बॉक्स दिख रहा है बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। मतलब क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो व्यू है वो कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर आपको इस गूगल के जो सर्च इंजन जो आया है यहाँ पे आपको पुट करना है गूगल फॉर्म। ठीक है, अब गूगल फॉर्म क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है गूगल फॉर्म सर्वे, इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आप गूगल फॉर्म ओपन करते हो लैपटॉप से या फिर पीसी से, उस तरीके का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ गो टू गूगल फॉर्म। देखिए सेम विंडो ओपन हो रही है जैसे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे हो रही थी। और उसके बाद में फिर हमको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस साइन पे, ब्लैंक गूगल फॉर्म हमको लेना है यहाँ पे। देखिए इस तरीके का ब्लैंक गूगल फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, बाकी ये सब आपको पता है इस विंडो के बारे में। और यहाँ पे जो थ्री डॉट दिख रहे हैं उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी और आपको सेम प्रोसीजर करना है जिस तरीके से मैंने वीडियो में आपको बताया। प्रॉब्लम यही है कि मोबाइल की साइट और डेस्कटॉप की साइट में इसमें डिफरेंस होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, स्टार्टिंग में मैंने जैसा बताया कि ऊपर जो थ्री डॉट google.com डालने के बाद सर्च करने के बाद ऊपर जो थ्री डॉट्स दिखते हैं वो थ्री डॉट्स में क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है और सेम प्रोसेस करना है। वहाँ पे आपको एड ऑन का सिंबल मिल जाएगा और देखिए यहाँ पे सर्टिफाई ईएम का भी आपको ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे सर्टिफाई ईएम का दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।